जय हिंद, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सबका उज्जवल एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हम आपके सामने आए हैं हमारे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, जो सिलेक्ट हो चुके हैं एआरओ हमीरपुर में, एआरओ लुधियाना। पहले हमीरपुर थे, हमीरपुर के बच्चे आए थे, लेकिन अब की बार एआरओ लुधियाना से आया है हमारा स्टूडेंट्स, और अभी रात को पहुंचा था। तो हमने सोचा चलो जानकारी दे देते हैं, बच्चों से मिलवा देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से, दो चार दिन से रिजल्ट आया हुआ है, व्यस्त थे पार्टियों में, इधर उधर रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों के साथ। अब टाइम मिला है, अब आकर पहुंचे हैं हमारे पास। तो जसकरण सिंह, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? तो सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, पहले से? पहले से बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। कहाँ पर व्यस्त थे इतने दिन? एक इतने दिन बाद कैसे याद आई है? हाँ सर इधर तो आना ही था, वो पहले पार्टियाँ यार दोस्तों जो रिश्तेदारियाँ जो घूमने वाले इधर बिजी हो गया सर, फिर आज इधर सारे पास से घूम के अब आया है फिर? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो ग्राउंड में कितने नंबर थे पहले बता, तू बहुत से बच्चे पूछते हैं, ग्राउंड में नंबर बता, ये कितने थे ग्राउंड में? कितना था? 100 नंबर था सर ग्राउंड में। ग्राउंड में 100 नंबर था, ग्राउंड में फिजिकल में 100 नंबर था। पेपर में कितने क्वेश्चन किए थे? सर 41 किए थे अटेम्प्ट मैंने क्वेश्चन। 41? हाँ जी। और 41 में से गलत कितने थे तुम्हारे? एक या दो क्वेश्चन गलत होंगे सर, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं, यानी बढ़िया काम किया फिर तो तूने, नेगेटिव मार्किंग नहीं की है। तो लगभग 41 क्वेश्चन में से 40 ठीक मानकर चलें तो 40 × 80 यानी कि टोटल 180 नंबर के आसपास आपके नंबर थे, 180 के आसपास। तो 200 में से 180 नंबर बहुत बड़ी बात है। आप तो मेरिट से भी बहुत ऊपर गए हो, मेरिट तो डाउन गई है अब की बार लुधियाना की। कितने गई है लुधियाना की मेरिट? सर 150 के आसपास गई है सीखों वालों की। यही है 140-150 के आसपास, यही मेरिट रही है। तो बच्चा भी कम ही बैठा था, कितने लड़के बैठे थे ग्राउंड में? सर 1200 के लगभग थे बच्चा हमारे। 1200 के लगभग बच्चे बैठे थे पेपर देने के लिए, जिनमें से सिलेक्ट कितने हुए हैं, कितनों का नाम आया? सर 350 प्लस तक, 350 तक आ गया नाम। 350 के आसपास लगभग सभी एआरओ को वैकेंसी ऐसे ही मिल रही है, 350, 400, 450 बस, लास्ट 450। अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं 450 मैक्सिमम। तो बच्चे चाहे 1200 बैठे, चाहे 2000 बैठे, 2200 बैठे, अभी तक तो हमने वैकेंसियां इतनी ही देखी हैं, 400, 350, 450 यही रहा है। तो जसकरण सिंह, पहले आपने, जसकरण सिंह ने पहले भी तैयारी की थी हमारे पास, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया था। बहुत से बच्चे हमारे ऐसे थे जो पहले भी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन इन्होंने दोबारा फिर से तैयारी की ग्राउंड की, ग्राउंड पास किया, फिर से 100 नंबर का फिजिकल पास किया, और पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन लगभग ठीक करके आए, 180 नंबर थे। आज आपके सामने है सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो कभी भी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो पूरे अच्छे तरीके से करिए, ढंग से करिए, ऐसा कोई नहीं कि काम चलाने के लिए 100 नंबर ग्राउंड में है जी, मुझे तो बस 20-25 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे सोच कर तैयारी मत करिए। चाहे 100 नंबर ग्राउंड में हो, चाहे 88 ग्राउंड में हो, हम 100 नंबर, पेपर के जो 100 नंबर होते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें 100 को देखकर तैयारी करनी है। 100 में से हम मैक्सिमम कितने ले पाते हैं, 80, 70, 90। तो इस प्रकार से आपका रूटीन क्या रहता था जसकरण, कैसे आपने तैयारी की है? मैथ को कैसे करना, जीके साइंस को कब पढ़ना, ये रूटीन बता दीजिए सभी को। क्या पता कोई तुम्हारी रूटीन ही फॉलो कर ले, क्या पता तेरे जैसे हो कोई, तेरे भाई हो कोई, बताओ। सर मैं मैथ की तैयारी तो रात को करता था, रात को खाना खाने के बाद, 8-9 बजे के खाना खाने के बाद, उसके बाद मैंने सर मैथ ही पढ़ना है, मैथ ही करना है बस। मुझे मैंने सर एक दिन में 2 या 3 चैप्टर ख़त्म करके सोना है, उसके चाहे मुझे 10 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सर 2-3 चैप्टर में तैयारी करनी है सर, दिन में क्लासें लगानी है, क्लासें लगाने के बाद टेस्ट देने हैं, टेस्ट में सर मेरे 80 प्लस मार्क्स आते थे। उसके बाद सर टाइम, टेस्ट के टाइम की बात की जाए तो सर टाइम मुझे 40 मिनट दिया जाता था यहाँ इधर उज्ज्वल अकेडमी बाड़ा में,
40 मिनट से पहले मेरा सर टेस्ट मेरे सर 80+ मार्क्स आते थे, 85 के आसपास मेरे मार्क्स सर आते रहते थे। मैंने सर एक साल पहले भी तैयारी की है, उसका मेरा एग्ज़ाम नहीं लिया गया, एग्ज़ाम मेरा पोस्टपोन कर दिया गया, लास्ट में कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। फिर मैंने दोबारा भर्ती लगाई 2022 में, फिर क्वालिफाई किया सब। किया सर जीके साइंस में दिन में पढ़ता था, मैथ में रात को करता था, बस यही मेरा रूटीन था। रात को सर चाहे 1-2 बजे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था इस। ठीक है, तो बच्चे हैं देखो, आपको पता है अभी आप आए हो बाहर, लड़के बैठ एक का सोने का टाइम होता है, दूसरे का उठने का टाइम हो जाता है। हाँ जी सर, होता तो है। जिसको जैसा ठीक लगे, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह जल्दी उठकर पढ़ता है, सभी की अपनी अपनी रूटीन है। तो वो अपने तरीके से पढ़िए आप। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हो, सुबह उठकर पढ़िए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा जो मौका आपको मिला है। अब इस मौके को कन्वर्ट कर लीजिए सिलेक्शन के अंदर। तो सभी जो भी कैंडिडेट आर्मी की तैयारी कर रहा है, अब इतनी नहीं मिल रही हैं, तो उसी तरीके से हमें अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो मेरे ग्राउंड में नंबर वाले नहीं लगते। तो आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से जारी रखिएगा। यदि हमारे ग्राउंड में नंबर कम है तो क्या हुआ, हम पेपर में ज्यादा ले लेंगे, तो बात तो वही आती है कुल मिलाकर। ठीक है, तो बाकी किसी को कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर, सिंह रोपड़ से हैं, रोपड़ से केड़ा पिंड है, सर पिंड पंजोड़ा ही। पिंड पंजोड़ा, पिंड पंजोड़ा से सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके सामने हैं। एक और कैंडिडेट हमारे पास बैठा है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, सभी को जय हिंद।